खतरनाक स्थिति में खड़ा है बिजली का खंभा। स्थानीय लोगों को अंदेशा है कि इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घटना आलीपुर द्वार जिले के कालचनी प्रखंड के हेमंतगंज फॉरवर्ड नगर इलाके की है। बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शिकायत किया है कि 2-3 दिन पहले यह बिजली का खंभा टूट गया था और सुबह बिजली का तार किसी भी तरह से खड़ा था। बिजली का तार भी खतरनाक स्थिति में है, जब कभी भी गिर सकता था और एक इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर स्थानीय निवासी राजू विश्वकर्मा ने कहा, पोल से सटे सड़क से पूरे दिन हजारों वाहनें गुजरती रहती हैं, दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। बिजली विभाग को हम बार बार फोन कर रहे हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि इस विषय पर कालचीनी बिजली विभाग के मैनेजर एलियाज मियां ने कहा, हमें गुरुवार को इसकी खबर मिली, शुक्रवार तक इसकी मरम्मत कर दी जाएगी। हम बोला एकदम इमरजेंसी है, इसको आओ, कहीं ये रास्ता में बड़ा गाड़ी चलता रहता है, वाइब्रेट होके गिर गया तो ये कौन रिक्स लेगा। खुटी तो पूरे तरीके से टूट गया है, आप तो देख रहे हैं, आप भी तो खुद देखा है, देखो पुल उसका छोटा सा जे तार पकड़ के रखा है इसको। ये एकदम प्रशासन का गलती है, ऊपर से ये कालचीनी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा गलती है। हम फोन कर इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए था। यदि आप कालचीनी ब्लॉक व उसके आसपास के क्षेत्र के हैं तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं। अब हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज जुड़े सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ 2400 घंटा डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध है। इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा लिखे गए दवाओं के साथ साथ डिजिटल एक्सरे, डेंटल डिजिटल एक्सरे, ECG, USG, लेबोरेटरी एवं फिजियोथेरेपी जैसे ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे स्टोर का नाम है गायत्री मेडिकल स्टोर एंड वर्मा डायग्नोस्टिक और हमारा पता है उत्तर लताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल के ठीक विपरीत। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।